आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक जीवंत उदाहरण है। एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बेटा हो तो बेटे से ही हम इस वंश परंपरा को आगे चलाएं। आपने अपनी बेटी में ये गुण डाले और आज आपकी बेटी ही आगे इस परंपरा को चला रही है, बढ़ा रही है, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य है। आपने कैसे इस चैलेंज को अपनाया? और मुझे तो कभी चैलेंज लगा ही नहीं, मुझे तो आनंद आया है। और आनंद इस रूप में आया कि परमात्मा ने हमारी गोद में जो बच्चे दिए तो उनके साथ हमें ऐसा शिल्पी बनाया है ईश्वर ने कि हम अपनी कला उनके ऊपर अच्छे से उकेरें, अच्छे से उनके अंदर डालें। तो हमारी दोनों ही बेटियां इतनी अच्छी निकली कि उन्होंने चीजों को अच्छे से धारण किया, शिक्षा को अच्छे से लिया, संस्कार को अच्छे से लिया, और सबसे बड़ी चीज है कर्तव्य परायणता को अच्छे से लिया। चाहे वो व्यक्तिगत प्रति है, परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, या मानवता के प्रति है, वो कहीं भी पीछे नहीं है। तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान तो इसलिए चलाना पड़ रहा है कि हम बेटियों की उपेक्षा करने लगे हैं और बेटियों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सुख साधन में बेटियां बाधक हैं। वो दहेज नहीं लाती हैं इसलिए, बल्कि दहेज देना पड़ता है इसलिए वो सोचते हैं बेटियों को मार दिया जाए। तो ये दुर्भाग्य की बात है, आदमी की अपनी अकर्मण्यता, अपनी नालायकी है। सही बात यह है कि अगर हम बच्चियों को योग्य बनाएं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनमें संस्कार, भेदभाव करें ही नहीं, तो भेदभाव के लिए आगे स्थान ही नहीं होगा। हमारी बेटियां वो होंगी जो दुनिया सर झुका करके उनको स्वीकार करेगी और उन्हें अपनाने में अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करेंगी। तो अभियान इस निकम्मे लोगों के लिए है, अभियान बेटियों से प्यार करने वालों के लिए कभी नहीं है।